दोस्तों हमारे भारत पर समय समय पर कई बाहरी आक्रमणकारियों ने शासन किया, जिनमें मुगल भी थे जो अपनी गद्दारी और अय्याशी के लिए जाने जाते हैं। वैसे ही उनकी बेगम भी गद्दार हुआ करती थी, जो अपने जिस्म की आग को ठंडा करने के लिए किसी से भी संबंध बना लेती थी। दोस्तों आज हम बात करेंगे नूर जहां की, जिसने बदला लेने के लिए अपने ही पति जहांगीर का पेट फड़वा दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। दोस्तों नूर जहां के पिता का नाम ग्यास बेस था, जो ईरान का रहने वाला था और काम की तलाश में वो दिल्ली चला आया और बड़ी कोशिशों के बाद अकबर के दरबार में उसको नौकरी मिल गई। और उसी समय इसकी एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम इसने मेहरुन्निसा रखा। और नौकरी मिलने के बाद इसने अपनी पत्नी को भी महल की साफ सफाई के काम में लगा दिया। धीरे धीरे समय बीता और मेहरुन्निसा अब जवान होने लगी। दोस्तों इसकी आवाज बहुत सुरीली थी, देखने में कोई परी जैसी लगती थी और गोरा और भरा हुआ बदन था। इसे कोई भी देख ले तो पागल हो जाता। अब वो महल आकर अपने माँ के काम में हाथ बटाती और ऐसे ही एक दिन अकबर के बेटे जहांगीर की नजर उस पर पड़ी। वो उसकी खूबसूरती को देख दीवाना हो गया और उसको पाने के लिए कोशिशें करने लगा। जब उसके पिता अकबर को ये बात पता चली तो अकबर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके बेटे की शादी उसके नौकर की बेटी के साथ हो, और इसीलिए अकबर ने ग्यास बेस को एक आदेश दिया कि वो अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द कहीं दूर कर दे। और उसने ऐसा ही किया, उसने शेर अफगान नाम के एक युवक के साथ मेहरुन्निसा की शादी करा दी। शेर अफगान हब्सी दरिंदा था। कहा जाता है कि शादी के 6 महीने तक शेर अफगान ने मेहरुन्निसा के साथ इतनी बुरी तरीके से किया, कई महीनों तक मेहरुन्निसा के नीचे वाले हिस्से में दर्द होता रहा और वो चल नहीं पाई। और दूसरी तरफ जहांगीर जब भी किसी औरत के पास जाता उसे मेहरुन्निसा याद आ जाती। और अकबर की मौत के बाद जैसे ही जहांगीर गद्दी पर बैठा, उसने सबसे पहले मेहरुन्निसा के पति शेर अफगान को मरवा दिया और उसको दिल्ली बुलाकर उससे निकाह कर लिया और उसका नाम बदलकर नूर जहां रख दिया। नूर जहां जहांगीर से शादी करना नहीं चाहती थी, वो शेर अफगान को पसंद करती थी, पर अब मजबूरन उसे जहांगीर के साथ रहना था। जहांगीर उसे ले तो आया पर उसके साथ ज्यादा कुछ कर नहीं पाता था, क्योंकि वो शराब पीकर हरम की औरतों के साथ ही अपना समय बिताता रहता था। नूरजहां अंदर ही अंदर घुट रही थी और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने सिपाहियों के साथ संबंध बनाकर अपनी आग को शांत किया। धीरे धीरे समय बीता, अब जहांगीर बूढ़ा होने लगा था। एक बार वो कश्मीर से आते समय उसकी तबीयत खराब हो गई और उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ये सूचना जब नूरजहां को मिली तो उसने अपना बदला पूरा करने के लिए सिपाहियों से कहा कि जहांगीर का पेट फाड़ दो और उसकी आंतों को निकाल कर उसके शरीर में भूसा भर दो, क्योंकि नूरजहां उससे अंदर ही अंदर नफरत करती थी। उसके जीते जी उससे अपना बदला नहीं ले पाई थी। दोस्तों जहांगीर बहुत बदनसीब राजा था, जिसके मरने के बाद भी उसे शांति नहीं मिली। वैसे दोस्तों नूरजहां का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।